Chapter 3 of my PhD thesis, English Prose of M.K. Gandhi. In the third chapter of my thesis, I've discussed a speech and some writings of Gandhi. Kaun kaun hai? One, Banaras University speech, 1915 ka hai. The music of the spinning wheel, 20 ka hai, 1920. Shaking the maze, 1922 ka hai. Jail Experiences, 1924. Famine in Puri, 24 का है ये. Drain Inspector's Report, ये डेट नहीं दे पाए हम. Volume 34, Collected Works of M.K. Gandhi. The Collected Works of M.K. Gandhi का Volume 34 है. और Page 539-47 है. तो ये जिस समय का वॉल्यूम, नया वॉल्यूम में कुछ पेजेस का अंतर हुआ होगा, लेकिन मोरल ऐसे ही होगा. नंबर 6, ये वाले जो है, is Gandhi's review of Miss Catherine Mayo's book Mother India. एक किताब अमेरिका से आके इंडिया में किताब लिखी और इसी किताब का गांधी जी ये रिव्यू लिखे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू है, पढ़िएगा. आई हैव कंपेयर्ड गांधीज इंग्लिश प्रोज टू दैट ऑफ चर्चिल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राधा कृष्णन एंड वन और टू अदर्स. और बाकी लेकिन मेन यही है, कंपेयर किया. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज गुड इंग्लिश प्रोज, अच्छा इंग्लिश प्रोज क्या होता है. आई हैव ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय गिविंग द ओपिनियन ऑफ गांधी, जॉर्ज ऑरवेल, माइकल थोरोप, एज्रा पाउंड एंड बी डब्ल्यू. इन लोगों का ओपिनियन देकर हम बताना चाहते हैं कि इंग्लिश प्रोज, गुड इंग्लिश प्रोज क्या है. ठीक है, गांधीज आर्ट इज एट इट्स पीक इन द राइटिंग्स ऑफ दिस फेज. इस फेज में गांधी का राइटिंग क्लाइमैक्स में सबसे बढ़िया है. कौन ये है, टाइटल इसका है द अर्ली इंडियन पीरियड 1930-1932 है. दैट्स ऑल, थैंक यू.